हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सन साइन के बारे में। कौन से सन साइन के बारे में? मिथुन के बारे में। मिथुन राशि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेमिनाय। तो जेमिनाय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सन साइन कौन सी डेट को, मतलब कौन सी डेट में पैदा हुए लोग इस सन साइन को बिलोंग करते हैं। 21 मई से लेकर 21 जून के बीच में पैदा हुए लोग मिथुन राशि वाले कहलाते हैं। मिथुन राशि कह लो या जेमिनाय कह लो, दोनों में एक ही बात है। अब ये लोग होते कैसे हैं और इनके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, इनकी सफलता कैसे, इनको ये मतलब सफलता की सीढ़ियों पर बस चढ़ते चले जाएंगे, क्या करें, क्या इनके लिए उपाय हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगी। लेकिन वादा सिर्फ एक चाहती हूं मैं आपसे कि आप इस वीडियो को ना स्किप कर करके नहीं देखेंगे। प्लीज आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से, आराम से, तसल्ली से देख लो। अदरवाइज बीच में कोई चीज छूट जाएगी, समझ में आएगी नहीं, फिर आप बोलोगे कि अरे नहीं समझ में नहीं आया, वो मैं चाहती नहीं हूँ। बिकॉज आई एम अ वेरी गुड टीचर एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज मिथुन राशि। मिथुन, आप देख रहे हो राशि का मतलब ही क्या है, दो लोग हैं बेसिकली, दो ड्यूअल करेक्टर। अब कई बार ना लोग कहते हैं कि यार ड्यूअल करेक्टर का मतलब क्या हो गया। ड्यूअल करेक्टर का मतलब, ड्यूअल करेक्टर बेसिकली ड्यूअलिटी से क्या मतलब है, ड्यूअलिटी से मतलब है डबल दिमाग, डबल शक्ति, डबल स्टैमिना, डबल एनर्जी। आप लोग एक टाइम पर, हम लोग जो मिथुन राशि के नहीं है, हम सब लोग ना एक टाइम पर एक चीज के बारे में सोच सकते हैं, अच्छा एक चीज के बारे में एक चीज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सा दिमाग लेकर आते हैं यार, आई एक्चुअली डोंट नो, ये लोग पता नहीं कौन सा दिमाग लेकर आते हैं, एक साथ इतनी सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से। मतलब कई बार तो मैं कंफ्यूज जाती हूँ इन लोगों को देखकर कि यार ये एक बंदा सोच रहा है, ये 10 बंदे सोच रहे हैं एक साथ मिलकर। मेरा भाई ही इज जेमिनाय, मेरी बेस्ट फ्रेंड शी इज ऑल्सो जेमिनाय। तो मैं कई बार सोचती थी कि यार ये लोग कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं, कितने ज्यादा रचनात्मक हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी हैं। मतलब हाउ कुड बी अ पर्सन प्रैक्टिकल एज वेल एज क्रिएटिव, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन हाँ, जब भी मैं जेमिनाय के बारे में सोचती हूँ, इन लोगों को स्टडी करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मेरी समझ से बाहर है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आई कैन डू एट अ टाइम वन थिंग, एक समय में एक ही चीज होती है मुझसे। ये लोग एक समय में पता नहीं कितनी चीजें कर लेते हैं, एकदम से एक आइडिया लेकर जाओ 100 क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इनके पास। एक समय में एक चीज लेकर जाओ, उस क्रिएटिव आइडियाज के पीछे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं इनके। तो ये लोग दिमाग, एक दिमाग ही है ही नहीं ना, ये रावण का दिमाग है, 10 दिमाग लेकर बैठे हैं। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि जो ये मिथुन राशि वाले लोग होते हैं, ये प्रैक्टिकल भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, मतलब पैसा कमाने में भी सुपर, सिर्फ भी ऊपर। और अगर हम बात करें रोमांटिक नेचर और लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, दोनों चीजें बड़ी बैलेंस होती हैं। अब मिथुन राशि वालों के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगी, कुछ लोगों के लिए ये जान दे सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जान मतलब इतने ज्यादा गिविंग है, इतने ज्यादा गिविंग है कि जान मांग लो जान दे देंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये जान ले भी सकते हैं, हर किसी का नेचर ये नहीं होता, इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता हर किसी का नेचर। लेकिन क्योंकि ये जेमिनाय हैं, ये ड्यूअल हैं, ये दो इंसान हैं इनके अंदर, एक इंसान किसी के लिए अगर जान देने को तैयार है तो किसी किसी के लिए इतने नेगेटिव भी हो सकते हैं। यस, दे आर लाइक एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। गुस्सा, यस गुस्सा आता है, लेकिन प्यार, फिर प्यार भी उतना ही ज्यादा आता है, क्योंकि दो इंसान है ना। आप इस बंदे को, आप इन लोगों को एक इंसान तो समझो ही मत, ये एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है। एक बड़ा प्रैक्टिकल तो एक बड़ा क्रिएटिव है, एक बड़ा रोमांटिक है तो एक बड़ा गुस्सैल है। दो इंसान, एक इंसान मतलब एक पैकेट में दो इंसान बंद करके भेजे हैं भगवान ने, सिंपल सी बात है। लेकिन हर किसी के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, इनके अंदर दोनों चीजें भर भर के होती हैं। इनको क्या करना चाहिए, सबसे इजी उपाय इनके लिए, सबसे इजी उपाय, इनको अपने घर में एमेथिस्ट के टंबल्स रखने चाहिए साउथ वेस्ट जोन में। साउथ वेस्ट जोन में अगर ये एमेथिस्ट के टंबल्स रखते हैं, दे विल फील कि इनकी जो बेटर साइड है ना, वो निकल के बाहर आने लग जाएगी। और साथ में इनको 51 जड़ी बूटियां, नागरमोथा, कागजंघा, लोबान, गूगल,
कहते हैं उसे इलायची लौंग बहुत सारी 51 जड़ी बूटियों की पूरी लिस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी, आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे और अगर इकट्ठा कर भी लोगे तो वो कहीं से आपको कुछ भी गलत सलत दे देंगे लोग। वो सारी 51 जड़ी बूटियां अगर ये अपने घर में जलाएं तो ये देखेंगे कि इनकी जो यू नो धमाल मचा देने वाली, कमाल मचा देने वाली साइड है, वो सब लोगों के सामने आएगी। ये 51 जड़ी बूटियां कहाँ से मिलेंगी टेंशन मत लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है एनर्जाइज रेमेडी वालों ने, प्रोडक्शन मेरे सामने हुआ है इसलिए गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि एनर्जाइज रेमेडी वालों ने फार्म डायरेक्ट फार्म से उठाकर ये जड़ी बूटियां ये धूपबत्ती बनाई है जिसको आप जलाएं सुबह शाम अपने घर में जलाएं और कुछ नहीं करना है, आपकी टेंशन खत्म। सिर्फ सुबह शाम में धूपबत्ती जलाओ अपने घर में एंड यू विल फील, यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस इन योर सेल्फ, अपने अंदर वो डिफरेंस फील करना स्टार्ट कर दोगे। ये जो कई बार इनके अंदर जो द्वंद्व चलता है ना, क्योंकि हम लोग तो एक बाहर से एक इंसान को देख रहे हैं लेकिन ये बंदे अपने अंदर दो लोगों से लड़ रहे होते हैं, कई बार इनका एक माइंड कुछ और कहता है दूसरा माइंड कुछ और बोलता है, तो ये जो द्वंद्व है ना आपके अंदर जो द्वंद्व है जो सिर्फ आप जानते हो, सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज को महसूस कर सकते हो, एहसास कर सकते हो, ये जो द्वंद्व है आपके अंदर का वो खत्म करेंगी। ये जो 51 जड़ी बूटियां ये आपके माइंड को स्टेबलाइज करेंगी और आपकी बेहतर क्वालिटीज को उभार कर लेकर आएंगी, और ये हमारे शास्त्रों में बहुत जगह इन जड़ी बूटियों का वर्णन मिल जाएगा आपको। मैं ऐसी किसी भी रैंडम थॉट के थ्रू नहीं कह रही हूँ, ये 51 जड़ी बूटियां इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये आपको तो हेल्प करेंगी ही करेंगी, आपके घर में होने वाली जो नेगेटिव वाइब्स हैं उनको भी पॉजिटिव करेंगी। तो ये 51 जड़ी बूटियां इतनी ज्यादा हेल्पफुल हैं, आप जलाएंगे आपका तो फायदा होगा ही होगा, रहने वाले घर के बाकी लोगों का फायदा बोनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।